अपनी छोटी बहन की इज्जत रखने के लिए एक बड़ी बहन क्या करेगी? क्या श्वेता राहुल को योग्यता के साथ डांस करने पर रोक पाएगी? अपनी छोटी बहन को क्या प्रोटेक्ट करेगी अनिका? सॉरी श्वेता, वो क्या है ना, मेरा पार्टनर मेरी डांसिंग स्टाइल को मैच नहीं कर पाता और राहुल इस वक्त हमारे क्लास का बेस्ट डांसर है, तो मैंने सोचा कि दोनों बेस्ट डांसर्स की मिलकर अगर जोड़ी बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? देखो, डांस सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन है। तुम तो जानती हो मुझे इंटरनेशनल बॉलरूम डांसिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। अगर मुझे मिस श्रेया से कोई डांसिंग टिप्स मिल जाती है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है राहुल, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ, या तुम मेरे डांस पार्टनर बने रहो या हम आज ही इसी वक्त ब्रेकअप करेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? काम डाउन राहुल, लो मेंटेलिटी लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है। देखो श्वेता, मैं सिर्फ राहुल के साथ डांस करना चाहती हूँ, इसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मल्होत्रास की इतनी हैसियत नहीं है कि वो श्रेया अय्यर को अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। किसने कहा कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को नहीं बुला सकता? आसपास खड़े सारे लोग अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन घुमाते हुए कहा, आप लोगों से किसने कह दिया कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को इन्वाइट नहीं कर सकता? अगर तुम श्रेया की इतनी बड़ी फैन हो तो जब वो दिल्ली आएगी तो हम उसे फोन करके अपने घर बुला लेंगे, वहीं पर श्रेया तुम्हें थोड़ी गाइडेंस भी दे देगी। अनिका के मुंह से ये बात निकलते ही योगिता और उसके फ्रेंड्स खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने तुरंत योगिता का हाथ छुड़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या सचमुच तुम श्रेया अय्यर को अपने घर बुलाने वाली हो? पीछे खड़ी एक योगिता की फ्रेंड ने श्वेता से कहा, तुम्हारी कजन लगता है बहुत बड़ी ब्लफ मास्टर है। क्या उसे पता भी है कि श्रेया अय्यर कौन है? श्रेया अय्यर कोई मॉडलिंग एजेंसी की कास्टिंग मॉडल नहीं है, बहुत बड़ी डांसिंग सेंसेशन है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के बड़े बड़े घराने श्रेया अय्यर को अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए इनवाइट करते हैं और करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, हमारी दिल्ली और इंडिया की शान सिमरन मेहरा भी अपनी बेटी को डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर के पीछे लगी होती है। और तुमने इतनी आसानी से कह दिया श्रेया तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हारे साथ खाना खाकर चाय पीकर चली जाएगी। ये बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता पर हंसने लगे। देखो, ये लड़की मेरे ख्याल में ऊंचे खानदान के लोगों के साथ कभी नहीं मिली जुली। इसे पता नहीं कि यहाँ फेंकने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन चलो, पहली बार है, सब लोग इसे माफ कर दो। श्वेता की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे तभी अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर डांस हॉल से बाहर ले गई। डांस हॉल से थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में आते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। अपनी कार के बोनट से लगकर अनिका ने अपने हाथ पर हाथ चढ़ा लिया और चुपचाप श्वेता को देखने लगी। थोड़ी देर के लिए अनिका को श्वेता पर गुस्सा भी आया, आखिर उसकी बहन होकर श्वेता इतनी कमजोर कैसे हो सकती थी। अनिका एक झटके से कार की बोनट से उतरी और फिर से श्वेता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे वापस वहाँ नहीं जाना, मैं वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। जब तक वो लड़का तुमसे माफी नहीं मांगता हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे वहाँ फिर से राहुल के पास नहीं जाना। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अभी, और वैसे भी वो इस वक्त मुझसे माफी नहीं मांगेगा। उसके सर पर उस श्रेया अय्यर का भूत सवार है। तो फिर क्या मैं श्रेया अय्यर को यहाँ ले आऊँ तब वो तुमसे माफी मांगेगा? अगर श्रेया से मिलने का मौका मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं श्रेया को ले आऊंगी। अनिका की इस बात पर श्वेता उसे घूर कर देखने लगी। श्वेता को अब तक लग रहा था कि अनिका ने अंदर जो कुछ भी कहा था वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा झूठ कहा था, मगर इस वक्त जब वो अनिका का चेहरा देख रही थी तो उसे अनिका का चेहरा देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अनिका उसके साथ कोई मजाक कर रही थी। कि क्या तुम सचमुच श्रेया को जानती हो? श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक बार न्यूयॉर्क में मिले थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरे कहने पर वो जरूर तुमसे मिलने आएगी। अनिका की बात सुनकर श्वेता सरप्राइज हो गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने श्वेता से कहा, चलो मान लो मैं श्रेया को बुला लेती हूँ, फिर राहुल तुमसे माफी भी मांग लेगा, तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आएगा। मगर श्वेता, क्या तुम मुझे एक बात की गारंटी दे सकती हो कि एक बार वो फिर से वापस आने के बाद हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा?
अनिका की आंखों में राहुल के लिए गुस्सा और खुद के लिए प्यार देखकर श्वेता बहुत कंफ्यूज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अपने दिल की सुने, जो राहुल को बहुत प्यार करता था, या फिर अपनी बड़ी बहन की सुने, जिसे जिंदगी का तजुर्बा श्वेता से ज्यादा था। किसकी सुनेगी श्वेता, अपने दिल की या फिर अपनी बड़ी बहन की? क्या राहुल श्वेता से माफी मांगेगा? क्या अनिका अपनी छोटी बहन के लिए ला पाएगी श्रेया अय्यर को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।